आटे का दिया बनाना। एक बारी ट्राई कर लिया है, लेट मी ट्राई एक और बारी, अगर अच्छे से बनती है इस साइड पे आने का। बड़ा ही अलग ही हासिल चल रहा होगा लाइफ में। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सभी लोग, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी करवा चौथ टू यू ऑल। तो आज है करवा चौथ और मेरी ना कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो आज मैं करवा चौथ की कोई भी ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई हूँ। जी हाँ, कुछ ज़्यादा सलून में कुछ टाइम नहीं लगाया, नो फेशियल नथिंग। तो आज मैं घर पर ही रेडी होने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ थोड़ी सी अपनी प्री करवा चौथ प्रिपरेशन की, कैसे मैं अपनी स्किन को प्रेप करने वाली हूँ। मगर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नाउ लेट्स गो। तो मैंने सोचा शुरुआत करते हैं बढ़िया से शीट मास्क से। इसे काफ़ी हद तक फेस पे आपके ग्लो आ जाता है, और स्पेशली ये जो नायका के शीट मास्क हैं, इन्हें मैं हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 बार यूज़ करना तो पसंद करती हूँ। पेट में पानी गया हो ना हो, एटलीस्ट मुंह पे तो अच्छे से ग्लो आ सकता है ना हमारे नायका के शीट मास्क से। तो मैं लगाने वाली हूँ ये लेमन एंड हनी, जो ऑफकोर्स लिखा हुआ है ये ग्लो देगा, बाकी देखते हैं कितना ग्लो देगा। तो लेट्स ट्राई दिस वन टुडे। मैंने मास्क लगाने से पहले फेस को अच्छे से धोया था। ये वाला एक्सफोलिएटर पॉल्स चॉइस का पिछले 4 महीने से यूज़ कर रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी आई एम वेरी हैप्पी विद इट, बिकॉज एक्ने अदरवाइज बहुत आराम से एक आधा कुछ निकलता रहता है। जब से ये यूज़ कर रही हूँ एक्ने का नामो निशान भी नहीं है। और उसके बाद मैंने यूज़ करी थी अपनी ये क्लैरेंस की आई क्रीम। तो डार्क सर्कल्स का भी गाइस एक चीज़ है, अगर आपको हो गए हैं ना तो वो कम नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट आप कोशिश कर सकते हो कि वो बढ़े नहीं। टाइम भी कमी होने के साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना मैं, जब तक मेरा फेस मास्क सूख रहा है तब तक मैं अपना दिया बना लूँ। तो मेरी सासू माँ आटे का दिया बनवाती थी और उसी में घी और जो जो डालते हैं वही करती थी। तो आई एम फॉलोइंग द ट्रेडिशन। सो यहाँ मैंने एक आटे की लोई ले ली है, इसको अच्छे से, एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है दिया बनाना, सो आई होप कि ये ठीक बने। सो लेट्स सी कैसा बनता है। Presenting the dia. तो मैंने चेंज कर लिया है, अब मैं थोड़ा सा मेकअप लगाने वाली हूँ। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद मेकअप लगा लिया। आई विश मुझे पहले पता होता कि सनब्लॉक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप है जो सनब्लॉक लगाने से कतराते हैं गाइस, सनब्लॉक इज़ द मस्ट इवन जब आप घर पे भी हैं। तो शुरू करा है मैंने अब कंसीलर से, ये बॉबी ब्राउन का एक कंसीलर है। तो बेसिकली आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से अपना कंसीलर देख सकते हैं कि कौन सा। स्पेशली मेरे को अंडर आई के लिए मुझे कंसीलर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। और एनीवेज अंडर आइज नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेस को आपको अपना एक अच्छा लुक देने के लिए कंसीलर यूज़ करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये कॉम्पैक्ट है शिशेडो का, तो बस इसी से थोड़ा सा मैं अपने आप को इवन टोन दे दूंगी। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी की भी स्किन ना, इट्स नॉट पिक्चर परफेक्ट। कॉन्फिडेंस होना खुद में वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अभी मुझे मेरा चेहरा लग रहा है थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा ज़्यादा सा अच्छा। तो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये बॉडी शॉप का हाइलाइटर, आई शेडो, जो भी आप इसे कह सकते हो। ये मेरी एक्चुअली है पैक, सेकेंड पैक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। टूट चुका है बट इसे मैं एक रबर बैंड की हेल्प से अटैच करके रखती हूँ ताकि और ख़राब ना होइए। बट आई लव दिस वन, स्पेशली जैसे कोई फेस्टिवल मोड के लिए आपको रेडी होना है, इट गिव्स यू सच अ नाइस हाइलाइटेड फेस। तो ये जो ब्रश मैं यूज कर रही हूँ ये सफोरा का है, स्पेशली ब्लशेस के लिए ही है, एंड इट्स नंबर 4। मेकअप का कुछ भी आप कर लो, द बेस्ट थिंग विच एनीबॉडी कैन सजेस्ट यू इज ब्लेंडिंग। एक बार बस आप लगा के छोड़ नहीं सकते, यू हैव टू ब्लेंड इट।
यही थोड़ा सा लेके, दिस इज अ ट्रिक, इसको आप हल्का सा आई मीन आई शेडो की जगह पे भी लगा सकते हैं. सी हाँ स्टाइल. लगा सकते हैं तो हमें इसी में से थोड़ा सा हाइलाइटर लेके अपनी ये आईब्रो की जो बोन होती है इस पे लगा लूंगी. यूट सा लुक मुझे पसंद है, बहुत ज्यादा कलरफुल वैसे ही नहीं पसंद, सो फॉर दैट इट गिव्स सच अ अमेजिंग लुक एंड दैट टू विद नो टाइम. तो ये जो काजल है ये लगाने मुझे बहुत ही ज्यादा पसंदली, आपके फेस की एक डिफरेंट सी लुक आ जाती है निकल के. एक अच्छा लाइनर लगाना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है. तो वन थिंग विच यू कैन डू इज हमेशा आँख को थोड़ा सा ऐसे जब आप खींच लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो बहुत ही इवनली ड्रॉ होगा. जैसे कि अभी देखिए जो मैंने लगाया था, दिस इज कीको का नंबर 16 एंड आई जस्ट लव इट. सो दूसरा वाला जो मैं यूज कर रही हूँ इसका स्मॉग. This is faces. अब इसको मैं लगाने वाली हूँ नीचे की तरफ. मस्कारा भी गाइस, अगर कुछ ना आप और लगाए सिर्फ मस्कारा अच्छे से लगा लेना, वो भी आपकी लुक बहुत एनहांस करता है. ये बेसिकली मस्कारा है, मेरा पुराना मस्कारा जो थोड़ा ड्राई हो चुका है, तो इसको मैं यूज करूंगी अपनी आईब्रोज पे. आईब्रोज पे वैसे बहुत ज्यादा मुझे जरूरत है नहीं कुछ करने की, बाय गॉड्स ग्रेस मेरी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है आईब्रोज की, तो मैं हल्का सा ब्रश करूंगी ताकि जो भी कुछ अगर लगा है वो डस्ट ऑफ हो जाए. ऑलरेडी रेड कलर पहना है तो मुझे ज्यादा ब्राइट कुछ लगाने की जरूरत है नहीं है, तो आई एम जस्ट गोना यूज दिस Another Sephora की लिपस्टिक नंबर 13. मुझे मेकअप में न्यू शेड्स ज्यादा पसंद आते हैं, बस आईज को मन करता कि थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट करो और बाकी यू कीप एवरीथिंग न्यूड. पूरी लुक बदल देता है ना, आपकी तबीयत ठीक है नहीं है और थोड़ा बढ़िया सा मेकअप करो, कंप्लीटली लुक चेंज. बाल बनाने के लिए ये छोटे छोटे रबर बैंड्स की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी. आई डिड इट, 3 अटेम्प्ट्स लगे, मुझे इनमें अपनी शक्ल बहुत ही अच्छी लगती है. अब आती है बारी हमारी नेक पीस की. गाइस ये मैंने मंगवाया था नायका से, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हो. तो बेसिकली आपको कोई भी अगर ड्रेस है सिंपल सा, बट इफ यू वेयर अ गुड एक्सेसरीज तो आप कैसे लिफ्ट कर लेते हो उसे. So, ये पहना हमने चोकर और अब हम पहनेंगे हमारी इसके साथ की ईयर रिंग. तो आज मैं पहनने वाली हूँ कोरल हेज, ये अभी मैंने रिसेंटली मंगवाया है. एक्चुअली चीज़ें तो इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी है, बट दी ओनली थिंग वॉज आने में इसने लिटरली 3 हफ्ते ले लिए. सो गाइज आई रियली होप आज आप सभी को ये वीडियो देखने में मज़ा आया है, क्योंकि मुझे बनाने में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इतने अच्छे से तैयार होने के लिए, बट ऑल थैंक्स टू यू गाइज.
सो अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको मेरा लुक पसंद आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.